भारत माता की, भारत माता जी। सिद्ध श्री लोक देवता खेमा बाबा की पावन धरा बायतू में आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और यहां रैली स्थली के पास में ही उनका मंदिर भी है। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। धोरों के गढ़, बाड़मेर की आप सभी जनता जनार्दन को भी मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। था सगलार बीच आर मारो मन खूब राजी हो। पूरा राजस्थान कह रहा है जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है गहलोत जी कोनी मले वोट जी, एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है। अब राजस्थान की बारी है। कांग्रेस साफ हो जाएगी ना, पोलिंग बूथ में साफ होगी कि नहीं होगी। अगर साफ करने का मजा तो तब आता है जब पोलिंग बूथ में साफ करें। हमारी माताएं बहनें दिवाली में जब घर की सफाई करती है ना, तो वो कमरे ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करती है, कोने कोने में जाकर के सफाई कर देती है। वैसी सफाई होनी चाहिए। हमें माताओं बहनों से सीखना है कि सफाई कैसे होती है। सीखोगे? शर्माओगे नहीं ना? सीखोगे? मेरे परिवारजनों, पूरा देश आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं राजस्थान की अपनी बहनों के बीच आया हूं। मेरा भी निरंतर प्रयास रहा है कि बहनों की हर समस्या, हर संकट को दूर कर सकूं, मेरी बहनों का जीवन आसान बना सकूं। मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। पहले जब लकड़ी का चूल्हा जलाते थे ना माताएं बहने, ये आपका बेटा, ये आपका भाई एक एक चीज में कितना बारीकी से समझता है। देखो, जब लकड़ी का या उपले का चूल्हा जलाते हैं और
खाना पकाते हैं तो हमारी माताओं बहनों के शरीर में रोजाना 400 सिगरेट का धुआं जाता है। आप मुझे कहिए, अगर 2 सिगरेट भी पीते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुझे मरना है क्या, तू सिगरेट बंद कर। मेरी माताओं बहनें, आपको गर्म खाना मिले इसलिए हर दिन चूल्हे से जो धुआं निकलता था वो 400 सिगरेट जितना धुआं वो आपकी खुशी के लिए झेलती थी। माताएं बहने, आपने तो कभी कहा नहीं और नहीं कभी हमने चुनाव संकल्प पत्र में भी लिखा था, लेकिन आपका ये भाई, आपका